बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इकट्ठे इनको समझना ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ में आता है जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी प्रिसीजन से। तो आई विल गिव द हेडिंग प्रिसीजन। नाउ आई बिलीव कि मैं थोड़ा सा ऑर्डर मैंने डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो प्रिसीजन अगर मैं पहले भी पढ़ता हूँ तो कोई मसला नहीं है। तो प्रिसीजन क्या होता है जी? द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर, द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर। बाकी प्रॉपर डेफिनेशन आप बुक से देख सकते हैं ये समझने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने कोई मेजरमेंट्स ली, कोई एक्चुअल वैल्यू मेरे पास है उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं अभी, लेकिन अगर मैं कोई मेजरमेंट करता हूं और वो मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के बहुत करीब आती है, यानी फॉर इंस्टेंस मैं मेजरमेंट करता हूं, एक वैल्यू आती है 2.6, दूसरी आती है 2.7, तीसरी आती है 2.5, फिर 2.6, तो ये देखिए ये एक दूसरे के बहुत करीब है। अब एक्चुअल वैल्यू चाहे जो भी हो, वो 3 हो, 4 हो, 2.5 हो, जो भी हो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी जो मेजर्ड वैल्यूज है वो एक दूसरे के करीब है, इसको मैं कहता हूं दैट माय मेजरमेंट इज प्रिसाइज। समझ आई? बिल्कुल आई। दिस इज व्हाट द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर। अब ये इंस्ट्रूमेंटल है प्रिसीजन। जब आप बात करते हैं तो ये एक इंस्ट्रूमेंटल जो है तो प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है कि ये डिपेंड करता है उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हैं। यानी मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि प्रिसीजन जो आपका है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द लीस्ट काउंट, टू द लीस्ट काउंट। इसका मतलब जितना आपका लीस्ट काउंट कम होगा उतना आपकी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होगी, और ज्यादा प्रिसाइज का मतलब ये भी है कि ये आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा देगा। अगर एक वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है इसका मतलब ये आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रही है, मोर इंफॉर्मेशन, और मोर इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास डेटा प्रिसाइज होगा। इसके साथ साथ इसमें मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे, मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, और वो यहां से भी आपको पता चल गया कि अगर लिस्ट काउंट जितना कम होगा डेसिमल प्लेसेस उतने ज्यादा होंगे, इसका मतलब आपका डेटा और भी प्रिसाइज होगा। ठीक है जी, तो प्रिसीजन आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द लीस्ट काउंट ऑफ दिस, और इसका मतलब है कि प्रिसीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सो प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, भी मैं लिख लेता हूं। ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मतलब है कि अगर आपने एक मेजरमेंट की रूलर से लेट से 2.4 सेंटीमीटर आपने मेजर किया, ये आपकी आपका डेसिमल पॉइंट आपको बता रहा है कि आपने रूलर से किया है। अगर मैं लिखता हूं 2.44 सेंटीमीटर का आपको डेसिमल पॉइंट बता रहा है कि ये आपने वर्नियर कैलिपर से किया हुआ है, इसका मतलब ये ज्यादा प्रिसाइज है। और एक तीसरी मेजरमेंट 2.446 सेंटीमीटर, तो आप कह रहे हैं कि ये आपने स्क्रू गेज से किया हुआ है। अब मैंने तो बात की पहले आपके द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर, यानी कि आपके पास एक सेट ऑफ डेटा है। फॉर इंस्टेंस आपने मेजरमेंट की 2.5 आया, 2.4 आया, 2.3 आया, फिर 2.5 आया, तो आप कह रहे हैं कि यह डेटा मेरा प्रिसाइज है। लेकिन इधर मैं किस तरह कहूंगा कि इसमें से कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है? तो वो डिपेंड करेगा ऑन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसकी ज्यादा है, तो इसका मतलब स्क्रू गेज की मेजरमेंट सबसे ज्यादा प्रिसाइज है वर्नियर कैलिपर से, और वो प्रिसाइज है मीटर रॉड से या फिर रूलर से।
इसी तरह आपको मालूम है कि जो लीस्ट काउंट होता है क्या वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बराबर नहीं होता? लीस्ट काउंट क्या बराबर नहीं होता एज लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रिसीजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। यानी जितना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी उतना ही आपका प्रिसीजन ज्यादा होगा। ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक हो गया। एग्जाम्पल्स आप खुद ही ले सकते हैं जी। अगर मैं कहता हूं 12.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, 12.27 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, 12.278 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर, तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज ऑफ कोर्स यही होगा। ये आपकी प्रिसीजन हो गई। जितने ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस उतना ज्यादा वो प्रिसाइज। और अगर एक सेट ऑफ वैल्यूज गिवन है तो जितनी वो एक दूसरे के करीब होगी उतना ही वो प्रिसाइज होगा। ठीक है, अब इधर एक्चुअल वैल्यू या डेसिमल प्लेस का हमारे साथ काम नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली द सेकेंड टर्म इज एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन में थोड़ा सा फर्क है। तो एक्यूरेसी इज व्हाट द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद द एक्चुअल वैल्यू। यानी इस केस में आपके पास एक्चुअल वैल्यू या रेटेड वैल्यू का होना जरूरी है। और आप एक मेजरमेंट करते हैं तो जितना ज्यादा वो आपकी मेजर्ड वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू के करीब होगी उतना ज्यादा आपका रिजल्ट एक्यूरेट होगा, जितनी दूर होगी उतना ही लेस एक्यूरेट होगा। ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं इधर लिखूंगा कि एक्यूरेसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा विद द रिलेटिव एरर। Accuracy is inversely proportional to what? To the relative error. ठीक हो गया? Relative error जितना कम उतना आपका जो measurement है वो accurate। और एक और बात भी होती है इधर कि accuracy is directly proportional to the number of significant figures। और ये बात आपको जरा significant figures तक थोड़ी सी फिलहाल हजम कर लीजिए, बाद में फिर आपको समझा देंगे। जब significant figure समझ आएगी तो accuracy भी समझ आ जाएगी। अच्छा, the closeness of measured value with the actual value, यानी simply अगर आपकी let's say actual value let's say 5 है और आपने measured value 1 let's say ली 4 सेंटीमीटर और let's say measured value 2 ली 3 सेंटीमीटर, तो आप इसमें से कौन सा प्रेफर करेंगे कि आपका कौन सा वाला एक्यूरेट है जी? तो इसमें 4 सेंटीमीटर एक्यूरेट है। अब कौन सा वाला प्रिसाइज है तो उसको आप छोड़ दें। क्यों? क्योंकि प्रिसीजन और एक्यूरेसी का एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है। हाँ, ये यानी अगर कोई फॉर इंस्टेंस अगर कोई मेजरमेंट प्रिसाइज है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो भी सकती है, हो भी सकती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सूरज के सनराइज का टाइम देखें तो सनराइज जो है अपने टाइम पर होता है जी, जरूरी नहीं है कि अगर आप उस टाइम उठे या ना उठे। यानी आपके उठने ना उठने से सनराइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप उस वक्त उठ सकते हैं, ठीक है, उस वक्त आप उठ सकते हैं सनराइज के वक्त, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस वक्त आप उठे उसी वक्त सनराइज हो। समझ आई? तो इस तरह एक मेजरमेंट अगर प्रिसाइज है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो। अगर एक्यूरेट है जरूरी नहीं है कि प्रिसाइज हो। हाँ, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों नहीं भी हो सकते, आपको बताते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको एक और डेफिनेशन में करता हूं। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एरर इज नोन एज एक्यूरेसी ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एरर इन अ मेजरमेंट इज नोन एज व्हाट? The accuracy. तो जितना relative error कम होगा उतनी आपकी accuracy ज्यादा होगी। For instance, अगर मैं लिखता हूं, अगर मैंने दो lengths measure की है, let's say L1 10.0, let's say for instance, हाँ जो भी 10.0 plus minus 0.1 centimeter और L2 which is 5.0 plus minus 0.1 centimeter, तो देखे अब इसमें से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट होगा? तो डायरेक्टली आप मुझे आंसर ना दीजिए, बल्कि आप क्या करें कि आप इसमें रिलेटिव एरर निकालें। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? द अनसर्टेनिटी अपॉन द मेजर्ड वैल्यू। इधर हम अनसर्टेनिटी को एरर ही लेंगे, ठीक है जी।
तो इसका मतलब इसमें जो है रिलेटिव एरर वो कितना होगा 0.1/10, ठीक है, तो यानी के 1/100 आ गया, और इधर से क्या होगा 0.1/5 यानी कि 1/50 आ गया। अब कौन सा वाला बड़ा है, 1/50 बड़ा होगा या 1/100 बड़ा होगा? 1 को आपने 50 पे तकसीम किया और 1 को आपने 100 पे तकसीम किया, तो ये बड़ा होगा ना जी। अगर आप 1 को 50 पे तकसीम करेंगे तो वो बड़ा होगा, अगर आप 1 को 100 पे तकसीम करेंगे, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि रिलेटिव एरर इसमें कम है, 1/100 वाला कम है ना, तो अगर इसमें कम है तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इसमें रिलेटिव एरर कम है। समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। तो अब इसमें से मैं एक पॉइंट आपके पास लिखना चाहता हूं, जो है एमसीक्यूज में थोड़ा सा डायरेक्ट लिख अगर आप करना चाहे तो मैं अगर कह सकता हूं, इफ वी यूज द सेम डिवाइस फॉर मल्टीपल मेजरमेंट्स, यानी एक से ज्यादा मेजरमेंट्स के लिए मैंने अगर सेम डिवाइस इस्तेमाल किया, सो ऑल द मेजर्ड वैल्यूज विल हैव व्हाट, विल हैव द सेम प्रिसीजन, प्रिसीजन उनका सेम होगा। क्यों? क्योंकि उनका लिस्ट काउंट सेम है। तो ये देखे, इनको मैंने एक ही डिवाइस से जो है मेजर किया 0.1 और 0.1, तो ये दोनों इक्वली प्रिसाइज है, लेकिन इनकी एक्यूरेसी में फर्क है, और वो फर्क क्या है, विल हैव द सेम प्रिसीजन बट डिफरेंट एक्यूरेसी, और वो डिफरेंट एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, द ग्रेटर मैग्नीट्यूड has greater accuracy, और आपने इसको देख लिया कि ये क्यों greater accuracy होता है, क्योंकि उसका relative error कम होता है, और वो आपने इस example के through समझ लिया। तो ये example मैंने इसलिए करवाया कि आपको ये समझ आए कि अगर आप single device से multiple measurements करते हैं तो उनकी precision same होगी, दोनों की precision same होगी। Why? Because the least count is the same, the absolute uncertainty is the same, लेकिन उनकी एक्यूरेसी में फर्क होगा, और वो फर्क क्यों होगा, क्योंकि उनके रिलेटिव एरर में फर्क आएगा। तो जो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका रिलेटिव एरर कम होगा और उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। समझ आई कि नहीं? बिल्कुल आई। तो ये बात थी जी, बस ये बात थी। अब इसको मैं वो डार्ट से जरा एक्सप्लेन करता हूं आपकी बुक में। अब वो है, अगर मैंने एक निशाना हिट करना है जी, ये मेरा निशाना है, ये मेरा निशाना है, ये मैंने हिट करना है। अब अगर मैं एक ट्राई करता हूं, मैं यहां हिट करता हूं, एक्चुअल वैल्यू से मैं दूर हूं, दूसरा निशाना मैं लेता हूं, यहां हिट करता हूं, फिर भी मैं दूर हूं, तीसरा निशाना मैं लेता हूं, यहां हिट करता हूं, फिर भी मैं एक्चुअल वैल्यू से दूर हूं, और ये छोटा जब जो चौथा लेता हूं, फिर भी मैं दूर हूं, तो ये मेरी अब एक्चुअल वैल्यू है, ये मेरी मेजर्ड वैल्यूज है। तो देखिए, मेरी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से काफी दूर है, इसका मतलब है कि ये नॉन एक्यूरेट रिजल्ट है, नॉन एक्यूरेट रिजल्ट है। मगर अगर आप देखें तो मेरी जो मेजर्ड वैल्यूज है वो एक दूसरे के करीब है, इसका मतलब ये एक प्रिसाइज रिजल्ट है। समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। अब अगेन अगर उसी तरह मेरे एक ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है, निशाना है, अब देखे मैंने हिट किया, निशाने के करीब हिट किया, फिर हिट किया, निशाने के करीब हिट किया, फिर हिट किया, निशाने के करीब, फिर हिट किया, निशाने के करीब, तो देखे मैं जहां हिट करना चाहता हूं सेंटर को, वहां मैं हिट कर रहा हूं सारे के सारे, तो मेरी मेजर्ड वैल्यूज जो है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब है, इसका मतलब कि ये एक एक्यूरेट रिजल्ट है। लेकिन मेरी जो एक्चुअल मेजर्ड वैल्यूज है, क्या वो एक दूसरे के करीब है? नहीं है, तो इसका मतलब ये एक नॉन प्रिसाइज रिजल्ट है। ये केस नंबर 2 था। अब केस नंबर 3 की बात करते हैं। अब देखे, एक मैंने यहां पर हिट किया, दूसरा मैंने यहां पे हिट किया, तीसरा यहां हिट किया, चौथा यहां हिट किया, तो क्या ये मेजर्ड वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू के करीब है? नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन एक्यूरेट है। अब
क्या ये मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के करीब है नहीं है, इसका मतलब ये एक नॉन प्रिसाइज रिजल्ट है। ठीक, केस नंबर 4 जो फाइनल केस है। अब देखिए, ये मेरी एक्चुअल वैल्यू, एक निशाना मैंने लिया यहां पर, दूसरा लिया यहां पर, तीसरा लिया यहां पर, चौथा लिया यहां पर, लेट से पांचवा लिया यहां पर। तो देखिए, क्या मेरी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के करीब है? बिल्कुल है, तो ये एक एक्यूरेट रिजल्ट है। क्या मेरी मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के करीब है? बिल्कुल है, ये एक प्रिसाइज रिजल्ट भी है। और ये है एक प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ व्हाट ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड थोड़ा बहुत इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप। एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो केसेस बन सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिए। अगर आपको मैं कहता हूं 4 स्टूडेंट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम है, जो भी है, चले एक क्वेश्चन है, 4 स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन मटीरियल। यार खुद लिख के अपने लिए, डेंसिटी जो है वो आपको ऑलरेडी मालूम है, दैट इज 2.7 ग्राम्स पर मिलीलीटर। ठीक है स्टूडेंट, एक ही रीडिंग में आपको बता रहा हूँ, लिख के जरा अपने साथ 2.924, 2.923, 2.923, 2.925, 2.926। अच्छा, बी वैल्यू स्टूडेंट, बी के मैं आपको बताता हूं 2.316, 2.527, 2.941, 2.136। स्टूडेंट सी 2.649, 2.731, 2.695, 2.742। स्टूडेंट डी की वैल्यूज 2.701, 2.699, 2.702, 2.698। अब ये आपको वैल्यूज गिवन है, आपने मुझे बताना है कि इस तरह से आपने इनको डिफरेंशिएट करना है। एक दूसरे के करीब होंगी तो प्रिसाइज, एक्यूरेट वैल्यू के करीब होंगी तो एक्चुअल वैल्यू के करीब होंगी तो एक्यूरेट। अब देखिए 2.924, 923, 925, 926, देखिए थर्ड डेसिमल प्लेस में जाके कहीं पे चेंज आ रहा है, इसका मतलब एक दूसरे के बहुत ही करीब है, इसका मतलब है कि प्रिसाइज तो ये है। ठीक हो गया, बिल्कुल है। अब एक्चुअल वैल्यू के क्या करीब है कि नहीं है, 2.9, 2.7, 2.9 में फर्क है, इसका मतलब है एक्चुअल वैल्यू से दूर है तो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है कि ठीक नहीं है, बिल्कुल है। अब देखिए 2.316, 2.522, 2.9, तो पहले ही डेसिमल प्लेस से चेंजेस आना शुरू हो गई, इसका मतलब है कि एक दूसरे के भी करीब नहीं है तो ये नॉन प्रिसाइज है। क्या मेजर वैल्यू के करीब है? 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, 2.1 नहीं है जी, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है। अब देखे 2.649, 2.731, 2. तो देखिए फर्स्ट डेसिमल प्लेस से ही एक जो है एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, इसका मतलब प्रिसाइज तो ये नहीं है। अब एक्यूरेसी की अगर आप बात करें तो देखें 2.6 करीब है, 2.73 करीब है, 2.695 भी करीब है, 742 भी करीब है, इसका मतलब है कि ये एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू के करीब है। और सिमिलरली लास्ट वन को देखे जरा, तो ये 2.701, 702, 699, 698, तो देखे एक दूसरे के साथ करीब है कि नहीं है? बिल्कुल है, 701 और 699 में कितना फर्क है, तो एक दूसरे के साथ ये करीब है, बिल्कुल है, प्रिसाइज है। फिर 2.701, 699, 702, 698 एक्चुअल वैल्यू के भी करीब है, इसका मतलब ये एक्यूरेट भी है। बिल्कुल मैंने सही लिख लिया, तो ये आप जरा इन डेसिमल प्लेसेस से भी अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए इसमें 4 डेसिमल प्लेस पे जाके कहीं पे चेंज आ रहा है, इसका मतलब एक दूसरे के करीब है। इसमें फर्स्ट डेसिमल प्लेस से ही चेंज आ गया तो ये प्रिसाइज नहीं है। समझ आ गई प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में? प्रिसीजन क्लोज टू व्हाट? क्लोज टू दी ईच अदर,
एक्चुअल वैल्यू के करीब होंगे, टू, सो दैट इज व्हाट, दैट इज एक्यूरेसी। होमवर्क लिख के जरा इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, होमवर्क लिख के जरा। आपको जी की वैल्यू तो पता है ना, जी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, ए ने एक किया, बी ने किया, सी ने किया, डी ने किया, वैल्यू जो कैलकुलेट की वो जरा देखे आप, अभी आप 9.77 या चले इधर से देखे 10.77, 10.79, 10.82, 10.84, बी ने जो किया 8.5, 9.3, 9.7, 10.0, 11.5, सी ने किया 7, 7.8, 8.8, 9.5, 10.0, डी ने किया 9.77, 9.78, 9.81, 9.83, 9.82। आपने मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों है, कौन सी ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है, कौन सी एक्यूरेट है प्रिसाइज नहीं है, कौन सी प्रिसाइज है एक्यूरेट नहीं है। ये आपका होमवर्क है और आपने ये मुझे किधर बताना है जी, आपने ये मुझे बताना है कमेंट्स में, कमेंट्स में, ठीक है। मैं वो पढ़ूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आपने गलत किया या ठीक किया। तो मेरे ख्याल में वीडियो ज़रा लंबी हो गई, कोई बात नहीं, ये ज़रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कन्फ्यूजन इसमें बहुत होती है लोगों को। आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद। आपसे मिलेंगे जी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।